इंतजाम खबर के साथ, खानेबाद में पुलिस पर तशद्दुद में मुलविस 5 चीनी इंजीनियर्स को मुल्क बदर कर दिया गया। चीन की इंजीनियरिंग कंपनी के 5 अफसरान को इंक्वायरी कमेटी ने नापसंदीदा शख्सियत करार दिया था। डीपीओ खानेवाल ने कमिश्नर मुल्तान को दी गई दरख्वास्त में चीनी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर, एडमिन, फाइनेंस ऑफिसर, फील्ड और मटेरियल इंजीनियर को पुलिस एहलकार पर तशद्दुद में मुलव्वस करार दिया था। चीनी इंजीनियर्स ने सिक्योरिटी पास के बगैर कैंप के बाहर जाने की कोशिश की थी। पुलिस एहलकारों ने मना किया तो तशद्दुद पर उतर आए। अगले रोज मरकजी सड़कों पर हैवी मशीनरी खड़ी करके जिले खानेवाल को बंद कर दिया। तहां बाद में चीनी इंजीनियर्स ने पुलिस एहलकारों की दावत की और उन्हें तहाइफ देते हुए पाक चीन दोस्ती के नारे लगाते रहे, लेकिन कमिश्नर मुल्तान ने इंक्वायरी में 5 चीनी इंजीनियर्स को जिम्मेदार करार दे दिया और रिपोर्ट वजीर आला पंजाब को भिजवा दी, जिसके बाद उन्हें पाकिस्तान से निकल जाने का परवाना थमा दिया गया और तमाम सिक्योरिटी स्टाफ को भी कैंप से तब्दील कर दिया गया। खानेवाल में पुलिस पर तशद्दुद में मुलव्वस 5 चीनी इंजीनियर्स को अभी मुल्क बदर कर दिया गया। चीन की इंजीनियरिंग कंपनी के 5 अफसरान को इंक्वायरी कमेटी ने नापसंदीदा शख्सियत करार दिया था। डीपीओ खानेवाल ने कमिश्नर मुल्तान को दी गई दरख्वास्त में चीनी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर, एडमिन, फाइनेंस ऑफिसर, फील्ड और मटेरियल इंजीनियर को पुलिस एहलकार पर तशद्दुद में मुलव्वस करार दिया था। चीनी इंजीनियर्स ने सिक्योरिटी पास के बगैर कैंप के बाहर जाने की कोशिश की थी, जिस पर पुलिस एहलकारों ने मना किया तो वो तशद्दुद पर उतर आए। अगले रोज मरकजी सड़कों पर हैवी मशीनरी खड़ी करके जिला खानेवाल को बंद कर दिया। ताहम बाद में चीनी इंजीनियर्स ने पुलिस एहलकारों की दावत की और उन्हें तहाइफ देते हुए पाक चीन दोस्ती के नारे लगाते रहे। इसी हवाले से कुछ मजीद तफसीलात भी जानेंगे नुमाइंदा न्यू न्यूज तारिक शहजाद से। तारिक, आप बताइएगा क्या डिटेल्स आ रही हैं अभी? जी, ये चंद दिन पहले का वाकया है जब चीनी मुलाजमीन ने, इंजीनियर्स ने कैंप से बाहर जाने की कोशिश की थी रात के वक्त बगैर सिक्योरिटी के। जब उन्होंने रोका गया तो उन्होंने पुलिस पर तशद्दुद शुरू कर दिया। उसके बाद ये कमेटी बनी, कमिश्नर के कहने पर डीसी खानेवाल और डीपीओ खानेवाल पर मुश्तमिल कमेटी बना दी गई, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में इन्हें मुलजम करार दिया कि भी ये इनकी गलती थी, इन्हें नहीं जाना चाहिए था और इन्होंने तशद्दुद किया जिससे पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए थे। तो उसकी बिना पर 5 इंजीनियर्स को ये चार्ज छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। इन्होंने परसों यहाँ से कैंप छोड़ दिया गया और ये मुल्क बदरी के आर्डर भी इनके जारी कर दिए गए। तारिक, ये बताइएगा कि जो रिपोर्ट तैयार हुई थी उसमें जिम्मेदार करार दिया गया था उन्हीं चीनी इंजीनियर्स को, जबकि अगले रोज बताया जा रहा है कि मामलात जो हैं वो दुरुस्त हो गए थे और उन्होंने अपने किए पर माजरत की और पुलिस एहलकारों की दावत भी की। जी, ये ऐसा ही है, इन्होंने कोशिश की थी चीनी इंजीनियर की ये मामला दबा दिया जाए और आपस में सुलह कर ली जाए, लेकिन चूंकि पुलिस मुलाजमीन भी जख्मी हुए थे तो इस बिना पर चूंकि और कसूर भी उनका था और पहले भी इससे पहले भी इनकी शिकायत इस तरह की मौसूल होती रहती थी कि ये कैंप से बाहर जाने की कोशिश करते थे जबकि बगैर पुलिस के कैंप से बाहर जाने की इन्हें इजाजत नहीं है। बहुत शुक्रिया तारिक शहजाद, मजीद तफसीलात भी आपसे जानेंगे।